पे जिम्मेदारी है लोगों की रक्षा करने की, अगर वो ही लोगों की जान लेने लग जाए तो कैसे भरोसा किया जाएगा कानून व्यवस्था पे और पुलिस के ऊपर? और उस पे अगर सरकार जो है वो पुलिस के पक्ष में खड़ी हो जाए और चुप्पी थाम ले तो फिर न्याय की उम्मीदें बिल्कुल जीरो हो जाती हैं। आज मैं अमन के परिवार के पास हूँ, मैंने उनका जो दर्द सुना उनकी बहन के जरिए, उनकी पत्नी के जरिए, उनकी 3 साल की बच्ची है। मैं बार बार चीख चीख कर कह रहा हूँ, मेरी बात गलत नहीं है, उत्तर प्रदेश में और देश में दलितों की जान दाल से भी सस्ती हो गई, दाल महंगी है, दलितों की जान सस्ती है। अपने भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दलितों की जो जिंदगी की कीमत है वो आपको बता दें कि एक दाल से भी है वो सस्ती हो चुकी है। चंद्रशेखर आजाद आज लखनऊ पहुंचे थे। दरअसल लखनऊ में पुलिस दबिश के दौरान एक दलित युवक की जान जाने का मामला काफी ज्यादा तुल पकड़ता जा रहा है। बीएसपी प्रमुख बहन मायावती जी सहित उत्तर प्रदेश के तमाम विपक्षी दलों ने भी इस मामले के अंदर प्रतिक्रिया है वो दी है। इस मामले को लेकर आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लखनऊ स्थित जो विकास नगर इलाका है वहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार से बातचीत की, उनसे मुलाकात की और उनसे इस घटनाक्रम के बारे में है वो राय सलाह मशवरा भी मांगी। चंद्रशेखर आजाद ने आपको बता दें कि विकास नगर में स्थित पुलिस कस्टडी में हुई अमन गौतम की मौत के मामले में लगातार आज भी विरोध प्रदर्शन जारी था। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना सांसद है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के, उन्होंने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है कि वो आखिरी सांस तक उनके साथ खड़े हैं। दरअसल आपको बताने की कोशिश करें तो यहां पर अमन गौतम की हुई मौत के मामले को सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद सहित विपक्ष के तमाम नेताओं ने भी इस घटनाक्रम को दुखद है वो बताया। साथ ही पुलिस इस मामले को लेकर कह रही है कि अमन की तबीयत है वो बिगड़ गई थी, उसके चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया था जहां पर उनकी जान है वो चली गई, जबकि पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने पीट पीट कर एक तरीके से वहां पर उनकी जान ले ली।